नमस्कार, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल वाटेक। सो फ्रेंड्स, आज के इस न्यू वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कैसे करेंगे, वो भी अपने मोबाइल से ऑनलाइन घर बैठे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अपने फ़ोन में फ्रेंड्स हम किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे सर्च बार में टाइप करेंगे ई श्रम। इतना टाइप करने के बाद ई श्रम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे शो हो जाएगी। तो फर्स्ट लिंक ई श्रम का है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा है, रजिस्टर ऑन ई श्रम ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यहाँ पे एक अपडेट का आइकन जो है शो हो रहा है, तो सिंपली इस पे हम अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरह का आइकन जो है शो हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस बॉक्स में टाइप करना है अपना मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है। तो और यहाँ पे ये कैप्चर जिस तरह से दिया हुआ है उस तरह से यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी को यहाँ पे रिसीव करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपना आधार नंबर से जो लिंक है मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर को फिल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर और कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ से इसको स्क्रॉल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जिसको इस बॉक्स में टाइप करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ओटीपी आ चुका है और हम यहाँ पे इस बॉक्स में ओटीपी को टाइप कर लेते हैं। ओटीपी टाइप करने के बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आधार का जो 12 अंक का आधार नंबर होता है वो आधार नंबर को यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हम अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर लेते हैं। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ की फ्रेंड्स आपको मिलेगा वेलकम राकेश कुमार, यहाँ की जिस नाम से यहाँ पर जो ई श्रम कार्ड बनाए हो वो नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे दो सेटिंग्स और दिख जाएंगे, यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल, यानी कोई भी करेक्शन करना है, कोई भी अपडेट करना है ई श्रम कार्ड में तो यहाँ पे क्लिक करके उस ई श्रम कार्ड में करेक्शन या कोई भी चेंज या कोई भी बदलाव कर सकते हैं। तो हमें ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन है डाउनलोड UAN कार्ड, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो ई श्रम कार्ड है वो यहाँ पे आपके फ़ोन में शो हो जाएंगे। तो अब इसको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे डाउनलोड UAN कार्ड इस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करते ही ई श्रम कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आज के वीडियो आप सबको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।